ने बोला तो है कि थोड़ा सा धीरे डालना क्योंकि बहुत तेज डालते हैं वो उसमें, और बहुत सारे भारतीय मूल के प्लेयर भी वहाँ पे खेल रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ के काफ़ी प्लेयर्स जाते हैं, एशियन बहुत सारे जाते हैं वहाँ पे खेलने के लिए। एक जनरेशन ने देखा ही नहीं था, खाली सुना हुआ ही था कि कौन थे ये प्लेयर्स, अब वहाँ पे बहुत एक्साइटेड है क्योंकि खेलने का मौका मिलेगा वापस, बेसिकली वही चीज़ होती है, वापस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ग्राउंड पे जाके आपको बहुत सारी चीज़ें मिस करते हैं, वो ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट मिस करते हैं। तो मेरे ख्याल से इस बार और बहुत सारे लोग मिलते हैं साथ में जिनके साथ बहुत पहले खेले हुए थे, सबके साथ टच में रहते हैं लेकिन कभी मिलने का मौका नहीं मिलता, तो मिलते हैं और साथ में क्रिकेट खेलने का भी मौका मिलेगा और लोगों को भी वापस देखने का मौका मिलेगा, तो काफ़ी एक्साइटेड है। स्पेशली US में हो रहा है अभी, तब खाली फ्लोरिडा में खेले थे, अब टेक्सस में जाके खेलेंगे तो फिर बहुत एक्साइटमेंट है। तो बताइए, आपने ब्रेडली को चौके छक्के भी लगाया, उनके बोल्ड भी हुए हैं, तो वो चीज एक्साइट कर रही है। एक बार फिर से आपने ब्रेटली को बोला है कि इस बार आउट करके दिखाओ तुम्हें मानो? नहीं, वैसा नहीं बोला है, लेकिन हम लोगों ने बोला तो है कि थोड़ा सा धीरे डालना क्योंकि बहुत तेज डालते हैं वो उसमें, पर वो वही चीज है, वो राइवलरी फिर से होगी, वो नए बॉल से ब्रेटली को खेलना वापस या ग्रैम स्वान को खेलना, वो अलग तरीके का चैलेंज रहता है हर बार, स्पेशली जब आप इतने टाइम से क्रिकेट ना खेले हो तो फिर जितना मुश्किल हमारे लिए होगा उतना ही मुश्किल उनके लिए भी होगा क्योंकि वो सारे क्रिकेट नहीं खेलते उतना ज्यादा, बट जो चीज होगी वो एक चीज होगी, सबको आप वो होगा कि सबको मजा आएगा ये खेलने का कि वापस हम लोग वापस खेल रहे हैं। भाई जैसे ये आपने बताया टेक्सस में हो रहा है, इस बार वर्ल्ड कप US में हो रहा है, तो ओलंपिक्स भी अमेरिका में हो रहा है, तो ये लीग कितना हेल्प करेगा आपको क्रिकेट को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रमोट करने, क्योंकि एक वो इस तरह से देखा है तो अनटैप्ड मार्केट है। अभी काफी चीजें हो रही है वहां पे, अगर आप देखेंगे MLC पिछले साल से स्टार्ट हो गई, दो साल, एक साल MLC होगी अभी, वो उनकी लीग भी स्टार्ट होगी, उसके बाद बहुत सारे वो मास्टर्स T10 भी वहां पर खेले, अभी ये लीग हम लोग ये इंटरकॉन्टिनेंटल लीग खेलेंगे और प्लस वर्ल्ड कप भी वहां जाएगा, तो फिर आपको बहुत सारी चीजें क्रिकेट को लेकर डेवलपमेंट जरूर देखने को मिलेगा और बहुत सारे भारतीय मूल के प्लेयर भी वहां पे खेल रहे हैं, वेस्ट इंडीज के काफी प्लेयर्स जाते हैं, एशियन बहुत सारे जाते हैं वहां पे खेलने के लिए, तो बिल्कुल वो एक अनटैप मार्केट जरूर है, लेकिन इससे काफी फायदा होगा, काफी एक्सपोजर मिलेगा वहां पे क्रिकेट। जो प्रेजेंस ऑफ अ लेजेंड लाइक अ ब्रेट ली और अ पार्थिव पटेल और तिलक रत्न दिलशान, इससे गेम US जैसे कंट्री में प्रमोट होने में कितनी मदद करेगा? काफी मदद करेगा ना, क्योंकि लोग पहले जो भी थे वो एक जनरेशन ने देखा ही नहीं था, खाली सुना हुआ ही था कि कौन थे ये प्लेयर्स, अब वहां पे उनको देखने को भी मिलेगा, जो पुराने जो है उन्होंने जिनको हमें खेलते हुए देखा है उनको वापस खेलने का मौका देखने का मौका मिलेगा, तो इसलिए ये लीग स्पेशल बन जाती है ना कि लोगों को दोनों जनरेशन को आप पहले जो जिन्होंने देखा है वो भी आएंगे, जिन्होंने नहीं देखा जो खाली सुना है कि क्या करते थे वो उनको भी देखने का मौका मिलेगा, तो एक रीयूनियन जैसा माहौल बन सकता है वहां पे।